हेलो फ्रेंड्स, आज मैं LIC हाउसिंग होम लोन का रिव्यू लेकर आया हूँ और इस रिव्यू के अंदर मैं तीन बातें रखूँगा। एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जानेंगे कुछ LIC हाउसिंग के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उनके होम लोन प्रोसेस में क्या कमियाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, और उसके बाद मैं इन सारे कमियों और अच्छाइयों को बताने के बाद मैं अपना पर्सनल रेटिंग मैं दूंगा इस कंपनी को। तो सबसे पहले कुछ जानते हैं कि LIC हाउसिंग एस्टेब्लिश कब हुई थी। एस्टेब्लिश ये 1989 में हुई थी और ये वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है। मैंने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी इसलिए कहा क्योंकि बहुत लोगों का मिथ है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। जी नहीं, ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है और NHB से गवर्न होती है। LIC हाउसिंग HDFC लिमिटेड के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म ऑफ रिवेन्यू, और इनका जो DSA नेटवर्क है या एजेंट नेटवर्क है ये सबसे बड़ा है इंडिया में। इनसे बड़ा DSA और एजेंट नेटवर्क किसी और का नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं LIC हाउसिंग के होम लोन के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में जो उनकी एक अच्छी बातें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रेट काफ़ी कम्पिटिटिव मिलेगा, यानी कि मार्केट का आप कह सकते हैं सबसे लोएस्ट रेट में एक रेट है इनका। काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है फॉर नए होम लोन के लिए। नए होम लोन के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है सारे इनके, और काफ़ी कम्पिटिटिव प्रोसेसिंग फीस और अदर एक्सपेंसेस भी हैं जब आप नए होम लोन लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको लेस डॉक्यूमेंटेशन का भी फायदा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स और NBFC। इनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट है सेंसन और डिसबर्समेंट का। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नए होम लोन टेकर्स के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। चलिए अब बात करते हैं LIC HFL होम लोन के कुछ वीकनेसेस के बारे में। इनका जो मेन वीकनेस है वो आफ्टर सेल सर्विस का ही है। इनके जो मोस्टली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के जो रेट होते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं। जब भी आपका रेट इनके नए होम लोन का रेट घटता है तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का रेट को वो वहीं पर छोड़ देते हैं, और जब बढ़ता है तो उसे वो बढ़ा देते हैं, जिस कारण से जो इफेक्टिव रेट जो कस्टमर्स के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं 2-3 सालों में। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस इनकी बहुत ख़राब है, और बहुत ख़राब आफ्टर सेल सर्विस का जो सबसे बड़ा कारण है वो लेस इम्प्लॉयज़ हैं। हर ब्रांच में कम इम्प्लॉयज़ होना, हर ब्रांच में एक अलग से कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ना देना, ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। अगला जो वीकनेस है वो है इनका प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन और लीगल इंस्पेक्शन से लेकर। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि अगर LIC हाउसिंग ने इस प्रॉपर्टी को लोन दे दिया तो ये प्रॉपर्टी सही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप LIC हाउसिंग से लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन अपना खुद करवा लें, क्योंकि LIC हाउसिंग का प्रॉपर्टी का लीगल इंस्पेक्शन या प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन थोड़ा वीक है और सब बैंकों के कंपेरिजन में। लिमिटेड ब्रांचेज होने के कारण और लिमिटेड इम्प्लॉयज होने के कारण जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सर्विस देने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, और कठिनाइयाँ आ भी रही हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आफ्टर सेल सर्विस में LIC हाउसिंग बहुत वीक है मेरे ख्याल से मार्केट में सब। अभी तक हमने बात की LIC HFL के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, अब मैं अपने पर्सनल लेवल पर मैं इन्हें रेटिंग देता हूँ, और मैं इन्हें रेट करूँगा 3 out of 5। 3 रेटिंग मैं देता हूँ इन्हें, और 3 रेटिंग देने का जो मेरा मेन कारण है वो इनका आफ्टर सेल सर्विस है। आफ्टर सेल सर्विस इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के जो बढ़ते रेट हैं वो बहुत बड़ा इशू है। तो अब हमारा रेटिंग आपने देख ही लिया, और अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी से लोन लें ना लें, वो आप पर डिपेंड करता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।